नमस्कार, पेपरी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कई तरह के रोग हो रहे हैं। इनमें से आम सा रोग हो गया है भूलना। पहले तो लोगों को उम्र बढ़ने के साथ इस समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन आजकल कम उम्र में ही लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी के बारे में बात करेंगे। याददाश्त से जुड़ी एक बीमारी यानी कि एमनीजिया के बारे में बात करेंगे। इसे वैज्ञानिक भाषा में डिमेंशिया भी कहते हैं। आज हम रिपोर्ट में जानेंगे कि डिमेंशिया क्या है, इसके मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, चलिए जानते हैं। आजकल कम उम्र में ही यह समस्या हो रही है। पहले लोग छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं और इसमें ध्यान नहीं देते, उसके बाद यह बढ़कर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसीलिए इस पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में चीजों को भूलने यानी याददाश्त घटने की बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे डिमेंशिया कहते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में डिमेंशिया के मरीज 3 गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसके सबसे ज्यादा मामले ईस्टर्न सब सहारा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है हर साल डिमेंशिया के 1 करोड़ नए मामले सामने आते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की नई रिसर्च के मुताबिक लोगों को शिक्षित करके 2050 तक इसके 60.2 लाख मामलों को बढ़ने से रोका भी जा सकता है। इस रिसर्च के परिणाम पॉलिसी मेकर्स को नई रणनीति बनाने में मदद करेंगे ताकि इसके मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। वहीं 2019 में डिमेंशिया के मरीजों की संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। अगले 3 दशकों के बाद यह आंकड़ा 15 करोड़ तक पहुंच जाएगा। शोधकर्ताओं ने 1999 से 2019 के बीच दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर हुए बदलावों को समझा। रिसर्च में डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग और बॉडी मास इंडेक्स को भी शामिल किया। इस दौरान पता चला कि सोचने समझने की क्षमता घटाने वाली बीमारी अल्जाइमर्स से होने वाली मौतों का खतरा बढ़कर 38% तक हो गया। इस नई रिसर्च को अल्जाइमर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। अल्जाइमर्स एसोसिएशन की चीफ साइंस ऑफिसर मारिया कैरिलो का कहना है, हृदय से जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल में बदलाव और लोगों को शिक्षित करके डिमेंशिया के मामलों को घटाया जा सकता है। डिमेंशिया के मामलों के बढ़ने की एक वजह आबादी में बढ़ता बुढ़ापा भी है। इसके अलावा युवाओं में बढ़ता मोटापा, डायबिटीज, एक ही जगह पर बैठकर घंटों काम करने की आदत भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाती है। दिमाग से जुड़ी बीमारियों पर हुई ICMR की स्टडी कहती है 2019 में देश में स्ट्रोक के बाद सबसे ज्यादा 12% तक मौतें अल्जाइमर्स डिमेंशिया के कारण हुई है। अगर आप या आपका परिचित कोई व्यक्ति इस समस्या का शिकार है यानी कि डिमेंशिया से परेशान है, आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत है, तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कुछ उपाय जिसे अपनाकर आप डिमेंशिया से बच सकते हैं। क्या है इसके उपाय आपको बताते हैं। बात करें डिमेंशिया को कैसे रोके, इसके लिए पहला उपाय है 6 कप से अधिक कॉफी ना पिए। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की नई रिसर्च कहती है रोजाना 6 कप से अधिक कॉफी पीते हैं तो इसका सीधा असर ब्रेन पर पड़ता है। नतीजा, ऐसे लोगों में याददाश्त घटने डिमेंशिया का खतरा 58% तक रहता है। याददाश्त घटने से रोकना है तो सेब खाएं। जी हाँ, डिमेंशिया को रोकना है तो रोजाना सेब खाएं। रिसर्च के मुताबिक सेब में 2 ऐसे तत्व भी पाए गए हैं जो याददाश्त को घटने से रोकते हैं। ये तत्व अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा घटाते हैं। यह दावा जर्मनी के जर्मन सेंटर फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के वैज्ञानिकों ने किया है। दोपहर में 5 मिनट की झपकी जरूर लें। जी हाँ, अगर आप डिमेंशिया से बचना चाहते हैं तो उम्र के साथ घट रही याददाश्त को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोपहर में 5 मिनट की झपकी जरूर लें। यह दावा चीनी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उम्र के साथ नींद लेने का तरीका बदल जाता है, लेकिन दोपहर में ली जाने वाली कुछ समय की नींद सभी में कॉमन है। यह दिमाग के लिए फायदेमंद है। बात करें चौथे उपाय की तो रोजाना 6 घंटे से कम सोने पर खतरा बढ़ता है। जी हाँ, अमेरिका में हुई एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 50 साल की उम्र तक 6 घंटे या उससे कम सोने पर डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। जनरल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं उनमें 70 साल की उम्र आने तक याददाश्त कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती है।
आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि डिमेंशिया क्या है, इसके मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, इसके उपाय क्या हैं, आप डिमेंशिया से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।